नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया में। इस वीडियो में जो बीएड सेकंड ईयर में फ़ाइल बनाई जाती है येलो फाइल, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये मैथ की फ़ाइल है। अगर आपने अभी तक साइंस की फ़ाइल नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, उसमें साइंस की फ़ाइल की वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसको देख लीजिए और बना लीजिए। ये है मैथ की फ़ाइल की पूरी वीडियो। तो इसमें कैसे बनानी है, क्या लिखना है, ये पूरी डिटेल समझ लीजिए। कैसे बनानी है, कौन सी फ़ाइल लानी है दुकान से, ये इस तरह की फ़ाइल आएगी जिसमें ये पिन लगी होती है। ये इस तरह की पिन लगी होगी, ये गोल गोल इसमें लग रही है, ये पिन लगी होती है। वो लंबी वाली फ़ाइल ले लेनी है और इसमें ये लंबे वाले पेज लगा लेने हैं। ये दस्ता वाले बोलते हैं, दुकान पे बोल देना कि दस्ता वाले पेज दे दो, दोनों तरफ लाइनिंग वाले, तो वो वाले पेज दे देंगे। तो इसमें क्या क्या लिखना है, ऊपर कवर पर ये, और कवर पर येलो जो चार्ट आता है उसको बस कवर कर देना है उससे, तो येलो फाइल बन जाएगी। येलो फाइल मांगते हैं वहाँ पे कॉलेज में जहाँ पे वाइवा होता है, तो जिसमें आपका सेंटर गया है उसी में वाइवा होगा, उसी पर सेंटर पर ले जानी होगी ये वाली फाइल। तो इसमें क्या लिख सकते हैं ऊपर, जैसे यहाँ पे ऊपर कॉलेज का नेम, उसके बाद अपने जहाँ पे रहते हैं आप उस जगह का नाम, जैसे कि फिरोजाबाद में रहता तो फिरोजाबाद लिख सकते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं उसको लिख सकते हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग वार्षिक पाठ योजना पुस्तिका सत्र लिख देंगे 2021 से 2022, आपका अभी सत्र 2021 से 2022 चल रहा है तो वो लिख देना है। और उसके बाद विषय, विषय कौन सा है, ये मैथ की फाइल है तो मैथ का लिखना है विषय गणित। उपविषय, अब उपविषय में वो लिखना है जो इसमें टॉपिक लिखा गया है, टॉपिक इसमें लिखा गया है आयत एवं वर्ग। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक लिखना है तो उसको लिख देना है इसमें। वार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षा, इसमें कौन सी प्रयोगात्मक परीक्षा, ये बीएड द्वितीय वर्ष, द्वितीय वर्ष के लिए ये फाइल है। छात्र अध्यापक का नाम, तो छात्र अध्यापक का नाम मतलब यहाँ पे अपना नाम लिखना है, क्योंकि आप छात्र तो अपने कॉलेज में थे और वहाँ पर अध्यापक बन के जाएंगे क्योंकि वहाँ पर पढ़ाना होता है, तो छात्र अध्यापक का नाम अपना खुद का नाम होगा तो वो लिख देना है। और यहाँ पे अनुक्रमांक, अनुक्रमांक लिख देना है। और ये प्रिंट आउट निकलवा के इस पर चिपका देना है, ये येलो फाइल बन जाएगी जो वहाँ पे जमा करनी होती है। और उसमें अंदर ये लिख लेना है, ये पेज लगा के उसमें अंदर नेम रोल नंबर वगैरह लिख सकते हैं, ये सभी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें लिखना कैसे है ये देख लीजिए, इसमें इस तरह से पेज लगाने हैं, ये इसमें पिन लगी होती है बीच में ये वाली, तो ये उसमें सेट हो जाते हैं पेज, और छेद कर सकते हैं आप, अगर छेद की वो मशीन हो आप पे तो छेद वाली छेद कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें लिखना क्या है ये देख लीजिए, अब इसमें लिखना है वार्षिक पाठ योजना, ऊपर सेम लिख सकते हैं इसको, जैसे आपका ये आयत एवं वर्ग क्लियर है टॉपिक तो आप सेम लिख दीजिए। इसमें दिनांक लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लेटेस्ट अगर वही डेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। विषय कौन सा है, गणित है। कालांश इसमें वो लिखना होता है, मतलब कौन सा घंटा का ये चैप्टर लिया गया है, तो कोई लिख दो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कक्षा भी कोई लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उस कक्षा में होना चाहिए ये चैप्टर। और इसमें क्या लिखना है, प्रकरण में ये टॉपिक कौन सा है वो लिखना है। अवधि कितनी है, 36 मिनट। विद्यालय यहाँ पे खाली छोड़ देना, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी बताया नहीं गया था कि कौन सा कॉलेज का नाम लिखना है, जो सेंटर गया है उस कॉलेज का नेम लिखना है या फिर अपने कॉलेज का नेम लिखना है, ये खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसमें ये टेबल बनानी है, ये उद्देश्य लिखना है। उसके बाद दूसरे कॉलम में व्यवहारगत परिवर्तन, अब इसमें क्या क्या लिखना है, ऊपर लिखना है उद्देश्य की लाइन में ज्ञानात्मक, और व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है छात्र आयत एवं वर्ग से संबंधित तथ्यों की प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब नेक्स्ट लिखना है अवबोधात्मक प्रश्न, अवबोधात्मक ये बस इतने लिख देना। और इसमें क्या लिखना है, छात्र आयत एवं वर्ग से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अब इसमें लिखना है कौशलात्मक, अब व्यवहारात्मक में क्या लिखना है, छात्र आयत एवं वर्ग से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट लिखना है अभिरुच्यात्मक,
अभिरुचियात्म के में लिखना है छात्र आयत एवं वर्ग से संबंधित समस्याओं को हल करने में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट लिखना है अभिवृत्त्यात्मक, इसमें लिखना है छात्र आयत एवं वर्ग में कमजोर अन्य छात्रों की सहायता कर सकेंगे। नेक्स्ट लिखना है प्रयोगात्मक में छात्र निष्कर्ष निकाल सकेंगे तथा निगमनात्मक ढंग से तर्कना कर सकेंगे। इतना लिखिए टेबल में लिख लिया। उसके बाद क्या लिखना है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक डस्टर सैंपट आयत वर्ग की आकृतियों का चार्ट, इतना लिखना है। उसके बाद ये दूसरे पेज पे राइट साइड में लिखना है पूर्व ज्ञान में लिखना है छात्र रेखा एवं कोण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना डैश करके इसमें ये टेबल बनानी है छात्राध्यापक क्रिया छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में क्वेश्चन लिखने हैं किसी पाठ्य पुस्तक की आकृति कैसी होती है, तो छात्र क्रिया में क्या होगा छात्र क्रिया आंसर देगा। छात्र आंसर देगा तो क्या देगा इसका आयताकार। अब क्वेश्चन नंबर 2 खेल के मैदान की आकृति कैसी होती है, छात्र क्रिया में लिखना है गोलाकार वर्गाकार अथवा आयताकार। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इन आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, छात्र क्रिया में लिखना है समस्यात्मक प्रश्न। अब आगे क्या लिखना है उद्देश्य कथन। आज हम आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफल तथा परिमाप के बारे में अध्ययन करेंगे, ये लिखना है। अब ये तो हो गया इतना। अब नेक्स्ट पेज पे क्या लिखना है ये देख लीजिए, इसमें टेबल बनानी होगी। ये ऊपर से देख लीजिए क्या क्या लिखना है इसमें। ऊपर लिखना है शिक्षण बिंदु, ये हैं शिक्षण बिंदु अध्यापक क्रिया छात्र क्रिया विधि प्रविधि सहायक सामग्री सैंपट कार्य। ये पूरी टेबल बनती है ये पूरी दोनों पेज पे बनाएंगे इसे। अब इसमें एक एक पेज पे लिख के देख लेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी इसमें। एक एक पेज पे कैसे लिखना है, एक पेज पे क्या लिखना है लेफ्ट साइड में आयत का क्षेत्रफल शिक्षण बिंदु में लिखना है आयत का क्षेत्रफल। छात्राध्यापक क्रिया में लिखना है नीचे विकासात्मक प्रश्न। उसके बाद ये तीनों प्रश्न लिखने हैं। प्रश्न कौन से हैं, कमरे के फर्श में कौन कौन सी राशि ज्ञात की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है आयत और चौड़ाई को परस्पर गुणा कर दें तो क्या प्राप्त होता है, ये लिखना है। अब इसी के सामने ये आंसर लिखे जाएंगे, ये तीनों प्रश्नों के आंसर लिखे जाएंगे छात्र क्रिया में। ये छात्र क्रिया में लंबाई, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर है लंबाई और चौड़ाई छात्र क्रिया में। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है लंबाई और चौड़ाई असमान होते हैं। और तीसरे का लिख देंगे संभावित उत्तर। उसके बाद ये विधि प्रविधि सहायक सामग्री में क्या लिखना है प्रविधि प्रश्नोत्तर। सैंपट में खाली छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद क्या लिखना है, अब लिखना है छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापक कथन में लिखना है ये कौन सी लाइन में लिखना है, ये लिखना है छात्राध्यापक क्रिया वाली में छात्राध्यापक कथन। इसमें लिखना है ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और सम्मुख भुजाएं बराबर हों आयत कहलाता है। आयत का परिमाप आयत की चारों भुजाओं की लंबाई के योगफल के बराबर होता है, इतना लिखना है। उसके बाद आयत की लंबाई बराबर L, आयत की चौड़ाई बराबर B, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई A बराबर L इंटू B, इतना हो गया। अब छात्राध्यापक कथन के सामने क्या लिखना है, ये लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके आगे विधि आगमन निगमन। उसके बाद इस लाइन में लिखना है वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री तथा सम्मुख भुजा बराबर हो आयत कहलाता है, इतना लिखना है। उसके बाद ये चित्र बना देना है और ये चित्र उसी पेज पे बना के चिपकाना है जिससे ये चार्ट बनाया था, जिसमें पेज बचता है थोड़ा थोड़ा, जैसे ये ऊपर काटते हैं यहाँ पे
जब इसमें लगाएंगे तो इसमें ऊपर ऊपर बीच में काटते हैं उसी को बना लेना है, इसमें उसी चार्ट से बन जाएगा। ये छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे, तो उससे बना सकते हैं और उसी को चिपका देना है। अब इसमें आगे क्या करना है, आगे लिखना है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है आयत किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है आयत किसी अगर किसी आयत की लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये लिख दिया। उसके बाद अब सामने के लिखना है ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और सभी भुजाएं परस्पर बराबर हों। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि इसमें क्या लिखा था आयत किसे कहते हैं, ये लिख दिया। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 2×5=10 cm². उसके बाद लिखना है प्रविधि में प्रश्नोत्तर। बस इतना हो गया, ये पूरी टेबल ख़त्म हो गई। अब आगे ये दूसरी टेबल है, इसी के आगे है ये, क्योंकि ये पूरी चलेगी आगे तक। ये सिच्चड बिंदु ये सभी सेम है, इसलिए इसमें यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे सेम लिखते चले जाएंगे। ये यहाँ तक है, ज़्यादा बड़ी नहीं, बस यहीं तक बनानी है। एक टॉपिक लिखना होता है पूरा, ये लिख चुका है पूरा। अब ये है, इसमें लिखना है आयत का परिमाप। फर्स्ट नंबर पे आयत का परिमाप, उसके बाद विकासात्मक प्रश्न। अब इसमें प्रश्न लिखने हैं, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है फर्श कैसी आकृति है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्श के चारों भुजाओं का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है किसी आयताकार आकृति के परिमाप का सूत्र क्या होगा। ये क्वेश्चन लिख लिए, उसके बाद इसके आंसर लिखने हैं। आगे लिखना है पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, फर्श कैसे आकृति है, इसमें लिखना है आयताकार। फर्श के चारों भुजाओं का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें लिखना है चारों भुजाओं को जोड़कर। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है संभावित उत्तर, इतना लिखना है। और इसमें आगे लिख देना है ये प्रश्नोत्तर, ये देख नहीं रहा है, प्रश्नोत्तर लिख देना है। उसके बाद छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापक कथन में ये पहली वाली लाइन छोड़नी है, उसके बाद ये है नीचे छात्राध्यापक कथन। आयत का परिमाप चारों भुजाओं की लंबाइयों के योगफल के बराबर होता है। नीचे लिखना है परिमाप बराबर L+L+B+B बराबर लिखना है 2L+2B बराबर लिखना है 2L+B। अब आगे क्या लिखना है, आगे वाले में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद विधि कौन सी है, आगमन निगमन। और परिमाप में लिखना है, परिमाप में सेम ये लिख देना है, ये जो यहाँ पे लिखा है L+L+B+B ये सेम लिखा है, बराबर 2L+2B बराबर 2L+B। ये इतना हो गया। अब आगे बोधात्मक प्रश्न। अब बोधात्मक प्रश्न में क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 है आयत का परिमाप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। ये 3 प्रश्न हो गए, उनके आंसर लिखने हैं यहाँ पे। परिमाप बराबर चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। और क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का आंसर है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का 90 डिग्री। उसके आगे क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर। बस यहाँ पे खाली छोड़ देना है। अब आगे ये और बचा है वर्गों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, ये तीसरा है वर्गों का क्षेत्रफल एवं परिमाप। विकासात्मक प्रश्न में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, वर्ग कैसी आकृति है। और क्वेश्चन नंबर 2 इस पेज पे है, वर्ग के चारों कोण कितने अंश के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप बताइए। ये क्वेश्चन हो गए इनके। अब इनके आगे लाइन में क्या लिखना है, ये है वर्ग ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और उसके आगे प्रश्नोत्तर लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में
दो में क्या है आंसर, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है समावेत उत्तर, इतना लिखना है। अब इसमें क्या लिखना है, ये है छात्राध्यापक कथन, ये छात्राध्यापक कथन है, बस थोड़ा सा ही बचा है। छात्राध्यापक कथन में लिखना है ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण और सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग कहलाता है। और इसमें वर्ग की भुजा बराबर ए, वर्ग का परिमाण बराबर चारों भुजाओं का योग, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 4a, वर्ग का परिमाण बराबर 4 इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा, ए बराबर ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर, इसमें इतना लिखना है। और इसके आगे आगे क्या लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि में आगमन निगमन और प्रविधि लिख देना सेम प्रश्नोत्तर। उसके बाद आगे ये चित्र बना देना है उसी पेज से। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर एवं प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाण बराबर 4a, इतना लिखना है इसमें। अब आगे बोधात्मक प्रश्न, बस ये रह गया है बोधात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है वर्ग के परिमाप का क्या सूत्र है। अब इनके आंसर लिखने हैं, इनके आंसर क्या है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वर्ग का परिमाण बराबर 4 इंटू भुजा। इसका आंसर क्या है, प्रश्नोत्तर, इसमें आगे लिखना है प्रश्नोत्तर। अब ये लास्ट पेज बचा है, इसमें ये लिखना है बस सेम मूल्यांकन लिखना है। मूल्यांकन में क्या है, क्वेश्चन लिखने होते हैं इसमें, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2, आयत का परिमाप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग की भुजा कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, कमरे की आकृति कैसी है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग को कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आयत को कैसे पहचानेंगे। और इसमें उसके बाद लिख देना है गृह कार्य, गृह कार्य में कुछ नहीं लिखना होता है इसमें। ये पूरी होगी पीली वाली फाइल जो एग्जाम सेंटर पे ले जानी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी फ्रेंड्स बना सकें ये पीली वाली फाइल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।